अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमाल खान और आप देख रहे हैं टेक्निकल जे यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप फेसबुक अकाउंट इस्तेमाल करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर भाई मैं आपको बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल आपकी फेसबुक अकाउंट की जो पासवर्ड है, जो मोबाइल नंबर, जो ईमेल है, अगर किसी और के पास भी चला गया है और वो वहाँ लॉगिन करने की कोशिश करता है तो फिर भी आपके अकाउंट सिक्योर है और सिक्योर रहेगा और किसी का बाप भी आपकी अकाउंट हैक नहीं करेगा। क्योंकि आप ऐसा करें भाई कि मैं आपको जो स्टेप बाय स्टेप तरीकेकार बताने वाला हूं वही काम करना है अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर अच्छी तरह सेटिंग करके और अपने अकाउंट के अंदर टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना है। आजकल आपको पता है भाई कि जितने भी अकाउंट हैं, यूट्यूब अकाउंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जितने भी अकाउंट हैं सारे आसारे आसानी से हैक हो सकता है। इसका सारे जिम्मेदार कौन है? ऑनर होता है, जो अच्छी तरह सेटिंग नहीं करते अपने अकाउंट के अंदर। सो वीडियो को स्टार्ट करते, हमारे साथ रहिए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट रखता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करके टेक्निकल जे यूट्यूब चैनल घंटी निशान के दबा रही है, वीडियो जस्ट लाइक करें। सबसे पहले भाई आपको क्या करना चाहिए, फेसबुक ओपन करना है। फेसबुक ओपन करने के बाद दोस्तों राइट की तरफ जो तीन लाइन है इस पर क्लिक करना है। तीन लाइन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा नीचे आना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी, ये वाला सेटिंग प्राइवेसी पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद ये वाला सेटिंग पर क्लिक करना है, ठीक है भाई। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने बहुत सी ऑप्शन है, लेकिन इसमें सिक्योरिटी एंड लॉगिन पर क्लिक करना है, ठीक है। सिक्योरिटी एंड लॉगिन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप ये भी चेक कर सकते हैं कि मेरा फेसबुक अकाउंट कौन से मोबाइल में लॉगिन है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं वेयर यू आर लॉगिन इन। तो सिर्फ और सिर्फ मेरा आईडी एक मोबाइल में ही लॉगिन है, ठीक है भाई। अगर आप पासवर्ड को चेंज करवाना चाहते हैं तो वहां से चेंज कर सकते हैं। असल बात ये भाई, मैं जो बात करने वाला हूँ टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है उसको कहते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इस पर क्लिक करना है, ठीक है भाई। क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा वेट कीजिए, ये है दो ऑप्शन आपके पास, सेलेक्ट सिक्योरिटी मेथड। ये वाला ऐप प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ऐप नहीं तो आप टेक्स्ट मैसेज को सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों वहां फोन नंबर ऐड देना है, ठीक है भाई। अगर आपका फोन नंबर वहां नहीं है तो ऐड फोन नंबर पर क्लिक करना है, वहां से कंटिन्यू पर क्लिक करके अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी मेरा फ़ोन नंबर वहाँ अवेलेबल है तो मैं वहाँ से क्लिक करूँ एक नंबर पे और कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस इंटरफेस आ जाएगा, तो सेक डिजिट कोड के लिए थोड़ा वेट करना है। तो ये वाला कोड जो अभी मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ 8955452, ठीक है भाई। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन, डन पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है भाई। डन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि टू स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन हुआ। यूअर सिक्योरिटी मेथड, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर की मदद से मैं अपने अकाउंट को भी सिक्योर कर सकता हूँ। अगर आपसे याद है कि भाई अगर आपसे फेसबुक पासवर्ड भूल जाए तो इस नंबर की मदद से आप अपने पासवर्ड को आसानी रिकवर कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर ऐसा भी नहीं तो नीचे रिकवर, ये रिकवरी कोर्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो सारे कोर्स वहाँ मौजूद है, कॉपी कोर्स पर क्लिक करके अपने पास ही रखिए ताकि भूल जाने वक्त में आपकी मदद में आ सके, ठीक है भाई। इस कोर्स की मदद से आप अपने फेसबुक अकाउंट जो है वापस रिकवर कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है भाई। अगर आपने फेसबुक अकाउंट को सिक्योर नहीं किया है तो प्लीज़ टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करके किसी का बाप भी आपका अकाउंट हैक नहीं करेगा, ठीक है भाई। तो भाई अगर ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी पसंद लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, यार लाइक तो बनता है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी निशान को दबा रखिए ताकि मैं इस तरह अच्छी इन्फॉर्मेटिव मजीद अच्छी वीडियो अपलोड बताऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। सबसे पहले अपने दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।